एक डाली चाहे हवन में एक से उसका नाम रखा गया धरोहर। और छोटी रानी जो महल में पटरानी बन के रहती थी उसके गर्भ से बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। अब माता बहनों ध्यान रखना, एक तो माँ दूध मलाई खाता है और एक जोगी रोटी जो मैया सुनीति को मिलती है उसी में से एक टुकड़ा आधा टुकड़ा सुनीति ध्रुव को दे देती है। वो सारे दिन मुंह में डाल करके उसे ही चूसता रहता है। मैया सुनीति के स्तनों से दुग्ध नहीं निकला माता, वो दूध जब दुग्ध नहीं निकला है तो ध्रुव रोते हैं, चिल्लाते हैं भूख से, तो मैया भी अपने बेटा को देख करके रोती है तो आंखों से आंसू बहते हैं। अपनी मैया के आंसू पी करके ध्रुव अपनी आत्मा की भूख को बुझा रहे हैं, भूख को मिटा रहे हैं। जब ध्रुव रोते ना, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया था, जौ की रोटी खाती थी मैया, तो जौ की रोटी खा करके नमक से भाई हष्टपुष्ट, जब शरीर में एनर्जी ऊर्जा तब पैदा होती है जब अच्छा भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, अच्छा आहार मिले। लेकिन मैया को कहां सुंदर आहार थी ना, वो तो जौ की रोटी केवल मिलती थी उन्हें खाने के लिए। तो मैया का शरीर जर्जर हो गया था, कमजोर था शरीर, खून था नहीं शरीर में, दूध बने कहां से, तो माता को दुग्ध नहीं निकलता है। अपनी माँ के स्तनों से लग जाते जब दूध नहीं निकलता तो भूख से रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो मैया अपने बेटा की भूख को देख करके माँ की ममता व्याकुल हो जाती है। मैया रोती है अपने बेटा को देख करके, तो माता हो बेटा ध्रुव अपनी मैया के दूध की जगह आंसू पी रही है। आंसू भाइयों बारे प्रभु धन है, परम पिता परमात्मा तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। माताओं धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, एक बाप की संतान, माताएं अलग अलग रहती हैं, लेकिन भाइयों में प्रेम बढ़ गया दोनों में। उत्तम ध्रुव खेलने के लिए तो निकल जाते हैं माताओं। एक दिन उत्तम ने कहा भैया ध्रुव ध्रुव भैया चलो आज पिता के राज दरबार में खेलने के लिए चलेंगे। चलो भैया चलो, उंगली पकड़ ली उत्तम ने ध्रुव की और राज दरबार में पिता के राज दरबार में उत्तम ध्रुव को लेकर पहुंचा। और जो राजा की कचहरी में उत्तम ध्रुव को लेकर के पहुंचा, राजा उत्तानपाद ने सुंदर बच्चे को देखा, इतना खूबसूरत बच्चा था, ध्रुव के मस्तक पर ऐसे चमक रहा है वो तेज जैसे चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा उस तेज को देखा
राजा ने सुंदर घुंघराली लेते हैं ध्रुव की, इतना अच्छा बच्चा। राजा का मन मंद हो गया, हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, राजा इतने मंगन हो गए। मंत्री से कहा, मंत्री बोलिए महाराज, बड़ा सुंदर किसी का बच्चा आया है। जी महाराज, बड़ा अच्छा है। जी महाराज, ऐसा बालक मैंने पहली बार देखा। हाँ महाराज, ये किसका बालक है महाराज? ये भी कोई पूछने की बात है महाराज? अरे अपने दरबार में आए महाराज, अरे आपका पुत्र है महाराज। मंत्री मजाक होती है, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो ये है उत्तम है, मैं से जानता हूँ महाराज। ये तो पहली बार आया है महाराज। बोल, ये पहली ही बार दरबार में आया महाराज, ये बड़ी रानी का पुत्र है महाराज, ये आपका पुत्र है? ऐसे नहीं मानूंगा। फिर कैसे मानेंगे? उसका परिचय जानना चाहूंगा। बेटा बेटा बोलिए पापा जी। बेटा बोलिए पापा जी। इधर देख बेटा। हाँ बेटा बोलिए। मेरा नाम, मेरा नाम धरो। और बेटा तेरे मैया का नाम? मैया का नाम सुनीति पापा जी। बाजी बा, तू सुनीति का बेटा है? हाँ पापा जी। बाजी बा, इतना सुंदर बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, उस दुखिया की कोख से पैदा हुआ। बाजी बा, जिसे मैंने रानी से मेहरबानी बना दिया, घर से निकाल दिया, एक संतान के प्रति जिसका तिरस्कार हुआ, जिसका घोर अपमान, जिसकी निंदा हुई, उसकी कोख से इतने सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारा शुक्रगुजार कैसे करूं? हे प्रभु, एक एक संतान के लिए मैं तड़पता रहा, तरसता रहा, मगर आज एक नहीं दो दो बालक किस्मत खुल गई। इधर आजा मेरे लाल, इधर आजा। महाराज उत्तान पाद पसर पड़े और खुशी के मारे माता बहनों गद्दी से उछले और धर्म को गोद में उठा लिया। जब गोद में उठा लिया, सिंहासन पर बैठ गए राजा, ध्रुव को गोद में ले लिया, दुलार करने लगे, प्यार करने लगे, लाड़ लड़ाने लगे, क्योंकि पहली बार आया ना। माता बहनों माथे को चूमा, सर को चूमा, गालों को चूमा, ओठों को चूमा और प्रेम आनंद के आंसुओं से श्रोताओं, राजा उत्तान पाद ने बेटा ध्रुव को नहला दिया। अच्छा श्रोताओं, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं माताओं।